महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद पंक्तियां भी लिखते थे, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। उनकी दो लाइनें तो यहाँ बांच रहा हूं। दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। जीते जी उन्होंने वतन की सेवा की और संदेश दे गए कि मेरी मिट्टी से भी देशभक्ति का जज्बा और वतन की खुशबू आएगी। फोटो सेशन, यही फोटो हमें आगे आज के दिन की याद आएगी। वर्मा स्टूडियो हमेशा अपनी सेवा देते हैं, बढ़िया उनका फोटो खींचते समय पर हमें भेजते हैं। माननीय कुलपति महोदया, वो क्षण हमारे बहुत करीब है जिसके लिए पूरा आयोजन आज है। ध्वजारोहण हमारे देश की शान, तिरंगा मेहर मेहर लहराए तिरंगा, उसे लहराने के लिए हमारी गर्वमयी व्यक्तित्व की भरी स्वाधीन में और गर्मा को बढ़ाती हुई डॉक्टर सुभाष तिवारी जी कुलपति एमसीबीयू छतरपुर, सात महल सिराज श्री विजय तिर्की जी प्रति कुलपति डॉक्टर डी शुक्ला जी, डॉक्टर आर के पांडे जी और मेलोनिया जी के सहयोग से ये ध्वजारोहण, ये पल ये क्षण देश के विकास की संकल्पना के साथ हमारे एनसीसी कैडेट सलूट करते हुए ये पुष्प Yeah.
ये और शुभकामनाएं परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर डीपी शुक्ला सर, रजिस्ट्रार श्री टिक्की जी, आदरणीय आचार्य कुल के समस्त सदस्यगण, कर्मचारी, अधिकारी, शोधार्थी, प्रिय छात्र छात्राओं, 15 अगस्त का दिन हमको आजादी की याद दिलाता है। 1947 में भारत राजनीतिक तौर पर आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। हम लोगों ने शासन की कमान अंग्रेजों से लेकर स्वयं अपने हाथ में ले ली थी। उस वक्त बहुत सारे लोगों को बड़ा संशय था कि भारतवासी भारत चला पाएंगे कि नहीं। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करते हुए हम सभी भारतवासियों के लिए इस देश को चलाने के लिए, स्वयं को नियंत्रित करने के लिए, स्वचालित होने के लिए हम सभी का अभिवादन करते हैं। आज से 7.5 दशक पहले स्वतंत्रता का अर्थ अंग्रेजों से स्वतंत्रता का होता था। आज आजादी का अर्थ, स्वतंत्रता का अर्थ बदल गया है, पहले से बदल गया है। आज आजादी का अर्थ है आलस्य से आजादी, बुरी आदतों से आजादी, घमंड से आजादी, हीन भावना से आजादी, भेदभाव से आजादी। आज स्वतंत्रता का अर्थ है कि हम बंधक न रहे मानसिक रूप से। हम ये माने कि रंग, नस्ल, भाषा, देश किसी भी मायने में भारत सुंदर है, भारत सर्वश्रेष्ठ है। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपने को सुधारना बंद कर दें। युवा है, जोशपूर्ण है, खोजपूर्ण है, शोधपूर्ण है, सभी बच्चे बालेंद्र ब्रजगोपाल कुशवाहा भूगोल यूपीसीएट, बधाइयों के साथ, कर्तव्य होने के साथ इन्होंने उच्च शिक्षा का सर्वोच्च मुकाम हासिल किया है। नेट यूजीसी उत्तीर्ण होकर कठिन परीक्षा है, 1 और 2 और 3 बार में भी बच्चे निकलने का प्रयास करते हैं और निकलते हैं। धुन का पक्का होना चाहिए, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से पढ़ाई। बालेंद्र शर्मा भूगोल यूजीसी नेट, गायत्री पटेल ये गायत्री बिटिया भूगोल यूजीसी नेट, अमर अहिरवार भूगोल यूजीसी नेट, अमर गौरव द्विवेदी दर्शन शास्त्र यूजीसी नेट, नेहा जैन अंग्रेजी यूजीसी नेट, ये क्रम से कतारबद्ध होते जाए, समय हमें बचाना है। नेहा जैन अंग्रेजी यूजीसी नेट, तमोजी चौरसिया अंग्रेजी यूजीसी नेट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है। उन्होंने ये शोध का हौसला भरा और उड़ चले शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। मेधावी बच्चे
सुरेश सागर वाजपेयी, मुझे तो लगता है सबसे भव्य और दिव्य व्यक्तित्व का धनी सुना थी। बता दूंगा कि हमारे बीच बहुत कर्मठ डॉक्टर ममता वाजपेयी जी का ये सुपुत्र बहुत विनम्र सुशील और लगनशील सुरेश न्याय को चरितार्थ किया, सुयश न केवल यश सुन लगा के सुंदर यश किया बच्चे ने। समाज शास्त्र यूजीसी ने अर्पण वर्मा, समाज शास्त्र यूजीसी ने प्रतीक्षा मिश्रा, इतिहास रजबिया यूजीसी ने इतिहास की विवेक कुमार जड़िया, इतिहास यूजीसी नेट जे आर एफ बी ने साथ में ये अशोक कुमार सोनी, इतिहास यूजीसी नेट महेंद्र कुमार अहिरवाल, इतिहास यूजीसी नेट जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, इन्होंने यही संकल्पना की और उड़ चले ऊंचे आसमान की ओर। महेंद्र अहिरवाल, इतिहास यूजीसी नेट निधि श्रीवास्तव, हिंदी तिवारी, हमारी प्यारी हिंदी समृद्ध विभाग यूजीसी नेट, रविकांत पटेल यूजीसी नेट,